हमारा देश, हमारा भारत किसी मुल्क के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। बम वहां भी चलते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमें उसकी भी पीड़ा होती है। पर वहां पे आईएसआई, वहां के राजनीतिक लोग जब यहां आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो हमें उन जवानों को याद करते हुए, हमें उस ओबले को याद करते हुए, कड़करे को याद करते हुए, हमें वो पार्लियामेंट के शहीदों को याद करते हुए हमें पीड़ा होती है। उनकी उनकी लाशों के ऊपर, शहादत के ऊपर नमक छिड़का जाता है। कहां गई वो अणख, कहां गई वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन? क्या हम उनकी सोच की रक्षा कर सके? हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच पे हमने पहरा नहीं दिया। वो चले गए बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के एक गौरव थे। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जिंदा है, उसको मजबूत किया है, महाराष्ट्र के हर कोने के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जब नजर आता है, तो उनके आगे सिर झुका के साथ ही बाला साहब ठाकरे के आगे सिर झुकाता हूं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे देश को बाला साहब के जाने का। राजनीतिक मतभेद हुआ करते हैं, पर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ महाराष्ट्र की आवाज को बुलंद करने वाला वो योद्धा जाने से हमारा देश बहुत कमजोर हुआ। ऐसा योद्धा दोबारा जन्म नहीं लेगा। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, उस बाला साहब ठाकरे को कभी बुलाने की कोशिश मत करना। उसने आपकी सोच के ऊपर बहुत पहरा दिया, उसने आपके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा की। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे घूमता हूं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े फंक्शनों में जाता हूं, उसमें चर्चा करता हूं, आपकी चर्चा करता हूं कि जो मैंने महाराष्ट्र के गांव के अंदर, मैंने जो बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्षेत्रों के ऊपर जो युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर देशभक्ति देखता हूं, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं।